पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग ठाकुर को दिलाई जीत पर प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सफलता मिली है जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मोदी के 5 साल का कार्यकाल शानदार रहा है और प्रदेश सरकार ने बढ़िया से काम किया है जिससे आज नतीजा सबके सामने आया है। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग ठाकुर को दिलाई जीत पर प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सफलता मिली है जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मोदी के 5 साल का कार्यकाल शानदार रहा है और प्रदेश सरकार ने बढ़िया से काम किया है जिससे आज नतीजा सामने आया है। सबसे पहले तो प्रदेश के मतदाताओं का बहुत धन्यवाद, देश के मतदाताओं का धन्यवाद। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई है जो ऐतिहासिक है। और प्रो इनकम्बेंसी वोट मिला है, 5 वर्ष का सरकार का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। हमारे चुनाव क्षेत्र में तो केंद्र सरकार का काम, प्रदेश सरकार का काम और स्वयं सांसद का अपना काम, ये तीनों चीज़ें मिलकर और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया और पार्टी को भारी जीत दिलाई है। मैं इसमें सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसी लगन रहे, देश प्रदेश की सेवा का समर्पण की भावना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बने, विश्व की बड़ी शक्ति बन के उभरे। बतौर पिता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वे जानते हैं कि अनुराग ठाकुर ईमानदारी से काम करते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए संगठन और सरकार के साथ बढ़िया काम करें। पिता के तौर पर मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह वो ईमानदारी से काम करते रहे वैसे काम करें, जो अवसर पार्टी उनको प्रदान करे उसे देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से काम करें ताकि देश प्रदेश का नाम ऊंचा हो, परिवार का नाम ऊंचा हो, पार्टी का संगठन का नाम ऊंचा हो। सबसे ऊपर देश सबसे महत्वपूर्ण है, फिर पार्टी है, फिर अपना आप आता है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर धूमल ने कहा कि सदा कोई नहीं रहता है और समय बीतने पर परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कांग्रेस को आत्मविवेचन करने की जरूरत है कि कमी कहां आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने के बाद ही राहत मिल सकती है। ऐतिहासिक तथ्य है और जो जो समय बीतता है परिवर्तन आता है। कांग्रेस को जब तक आत्मविवेचन नहीं करेंगे तब तक इससे राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस के नेतृत्व को आत्मविवेचन करना होगा कि कहां कमी रहती है। सदा कोई नहीं रहता, लेकिन निश्चित तौर पर प्रयास ऐसा होना चाहिए कि लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहे और लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहे। वहीं हिमाचल की सभी सीटों पर मिले बड़े मार्जिन पर धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा मार्जिन नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि सारे उम्मीदवार 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं जिसके कारण जनता की उम्मीदें भी ज्यादा हैं, जिस कारण चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा काम करना होगा। उन्होंने सही कहा, इतना बड़ा मार्जिन और हिमाचल प्रदेश में तो मैंने कल मुख्यमंत्री से बात होते हुए कहा था, ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी पहले इतना हुआ ना भविष्य में ऐसा होगा कि सारे उम्मीदवार 3 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं और इतने भारी बहुमत से जनता जिताए। जनता की अपेक्षाएं भी उतनी ज़्यादा होंगी और ज़्यादा लगन समर्पण की भावना से लोग प्रतिनिधियों को काम करना होगा।